हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर एएमयू एंड जामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, फॉर योर प्रिपरेशन हमारे चैनल ने रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फुल सिलेबस नोट्स एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ओनली फॉर ₹499। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेप गिवेन है। सो स्टूडेंट्स, सिंस फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है कोई भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है, सो इसी तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी अ रिसर्चर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज, ओके, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। सो रिसर्चर कोई भी फेनोमेना पर स्टडी कर रहा है, सो जो स्टडी है उसकी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करनी चाहिए। सो ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज रिसर्चर शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। सो रिसर्चर को ऑनेस्ट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, शुड इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल। सो जब भी रिसर्चर सैंपल की साइज इंक्रीज करेगा, सो मोर डेटा और मोर इंफॉर्मेशन होंगी एंड एस्टिमेशन जो होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, शुड कीप द वेरियंस हाई। सो स्टूडेंट्स, वेरियंस हाई मीन्स जब भी कोई डेटा पर स्टडी हो रहा है, सो उसमें क्या, जब भी कोई डेटा पर स्टडी हो रहा है, सो वो डेटा क्या होना चाहिए, स्प्रेड आउट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज है, सो उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन पर टेस्ट कर रहे हैं, सो हम एक वाइड रेंज और वाइड पॉपुलेशन पर स्टडी करेंगे, यानी वाइड एज ग्रुप पर, हर एक ग्रुप एज ग्रुप पर हम स्टडी करेंगे, ना कि एक नैरो रेंज पर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली। सो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस मीन्स अजम्पशन और प्रिडिक्शन। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिसर्चर अजम्पशन और प्रिडिक्शन करता है, सो उसके बाद इस पर टेस्ट होता है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फोन स्विच ऑफ हो रहा है, सो हम एक अज्यूम करते हैं हम कि शायद इसकी बैटरी लो होंगी, दैट्स वाई हमारा फोन जो है स्विच ऑफ हो गया, तो दैट इज नोन एज अजम्पशन। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्वुलेटेड। सो कॉन्वुलेटेड मीन्स डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक। जेनरिक मीन्स नॉट स्पेसिफिक। सो हाइपोथेसिस डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स टफ एंड जनरल। सो हाइपोथेसिस टफ और जनरल भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक। जो हमारी हाइपोथेसिस है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक, दिस इज करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑब्सक्योर। सो स्टूडेंट्स, ऑब्सक्योर मीन्स हिडन एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल, दिस इज रॉन्ग। सो हाइपोथेसिस हमारी होनी चाहिए सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, that's why the correct option is option C. Next question, quantitative research is also known as. So students, quantitative research जो कि number और quantity पर based होती है, जिसमें जो हमारे पास जो theory होती है वो पहले से ही होती है, यानी existing theory होती है, और इस पर हमको क्या करना होता है, proof करना होता है कि whether it is correct or not. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इथनोग्राफिक अप्रोच। सो इथनोग्राफिक अप्रोच में हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव रिसर्च। सेकेंड,
अनस्ट्रक्चर अप्रोच. सो अनस्ट्रक्चर अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमको न्यू थियोरी फाइंड आउट करनी होती है और उस पर रिसर्च करना होता है. एंड थर्ड ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. सो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हमको डिस्क्राइब करना होता है कि कोई भी पॉपुलेशन या फिर सिचुएशन और कोई भी फेनोमेना पर क्या इफेक्ट हो रहा है. यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिसीज है सो उस डिसीज का कोई पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है और कोई फेनोमेना पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच फाइंड आउट रिसर्च करते हैं इस पर. दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फॉर दिस स्ट्रक्चर अप्रोच. सो स्ट्रक्चर अप्रोच इज नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हमको क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसा हमको पता होता है एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है जो पहले से गिवेन होती है, फिर हम फॉलोइंग स्टेप के थ्रू उसको क्या करते हैं उस पर टेस्ट करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. यानी हमको पहले से ही हमको टॉपिक पता होता है सो उस टॉपिक पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं वेदर इट इज करेक्ट एंड नॉट. सो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका हमको स्टेप पता है. सो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. दैट्स वाई क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर अप्रोच. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होते हैं जिसमें हम कोई भी फेनोमेनन पर क्या इफेक्ट और कॉज हो रहा है ये फाइंड आउट करते हैं. जैसे ऑप्शन ए इज मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन. सो स्टूडेंट्स, मैनिपुलेशन यानी कोई भी थ्योरी में हम क्या चेंजेस करते हैं, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन. एंड रेप्लिकेशन मीन्स जो भी पहले रिसर्चर ने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा सो उसको जो बाद में रिसर्चर फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वेरीफाई करने के लिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन, यानी हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस किए और उस पर क्या हमको क्या इफेक्ट मिला, हमको क्या इफेक्ट दिखा, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. थर्ड इज कंट्रोलिंग. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास ये देखना है हमको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है. जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट और हम देखते हैं प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है. सो हम प्लांट की ग्रोथ सही कर प्लांट की ग्रोथ के लिए हम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं सो हम कितनी अमाउंट में प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं सो हमको ग्रोथ प्रॉपर उसकी दिख रही है. सो हम ये न्यूट्रिशन जो टर्म है, हम वाटर जो है वो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग. जो कंट्रोलिंग भी जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड लास्ट इज रेफरेंस कलेक्शन. सो स्टूडेंट, रेफरेंस कलेक्शन वो होता है जो सारी इंफॉर्मेशन हम एक प्लेस पर गैदर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स एंड डिक्शनरी. सो रेफरेंस कलेक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रोसेस नहीं होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेफरेंस कलेक्शन. सो स्टूडेंट्स, ये MCQs आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, comment, share and subscribe our channel PhD Jobs and Admissions.